हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन चार्ट आईक्यू। तो आज हम लोग फिर से आ गए एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम लोग देखेंगे CBL KRA वैलिडेशन कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग यहाँ पे अपना पैन नंबर डालने के बाद देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत है। तो उसके लिए हमको क्या करना है और कैसे करना है, और कभी कभी ये सबमिट एंड एग्जिट की जगह आगे का प्रोसेस दिखाता है, तो उसको कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं अपना पैन नंबर इंटर करूँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं वापस से आपका रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। जैसा कि मैंने पैन नंबर डालने के बाद जैसे ही इंटर किया, तो वहाँ मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ गया। तो जैसे ही आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ OTP था और ये बस हो गया। तो इसके लिए आप लोग जब आपका लेटेस्ट, इसका मतलब होता है कि आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो जो आप यूज करते हो, ये नहीं कि पुराना वाला और बंद हो गया, इसीलिए ये वेरीफिकेशन हो रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने डाला, तो मेरा लेटेस्ट था, तो हम लोग OTP डाल के वेरीफाई कर चुके हैं। किसी किसी प्रोसेस में ऐसा होता है कि वो गलत दिखाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर ये सही है तो आप बस इसको ये डालना है और वैलिडेशन करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि ये पैन नंबर जो डाले हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं जनरेट ओटीपी करना है, तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं जनरेट ओटीपी और प्रोसीड विद आधार वैलिडेशन बोल रहा है। तो हम लोग इसके लिए पहले KYC करवाएंगे, जैसे कि आप लोग जीरोधा में करते हैं, तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप लोग वहाँ पे देख के सीख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट और किसी में है, तो उसका KYC प्रोसेस के लिए आप उसको कॉल कर सकते हैं। ऐसे फायर्स में KYC कैसे होगा, इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो जब तक के लिए थैंक यू, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।